नए साल की पूर्व संध्या पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक रिज मैदान पहुंच गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रिज मैदान से होते हुए स्कैंडल पॉइंट और मॉल रोड पर घूमे। स्कैंडल पॉइंट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीठे पान का भी मजा लिया। छात्र जीवन में रहते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी दुकान से पान खाया करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहाँ पान का आनंद लेते हुए अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के दिनों का किस्सा साझा करते हुए कहा कि वे भी पहले नए साल के मौके पर टाउन हॉल की सीढ़ियों पर बैठते थे, रिज पर घूमकर नया साल मनाया करते थे। उन्होंने कहा कि रिज मैदान और मॉल रोड पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति की चर्चाएं हमेशा ही गर्म रहती है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे के बाद शिमला के आम आदमी का मॉल रोड और रिज मैदान पर आना बेहद आम है। नए साल के मौके पर वे भी आम आदमी की तरह यहाँ घूमने के लिए पहुँचे हैं। बहुत पुराना है सर, गुड इवनिंग। ये भैया हमारा यूनिवर्सिटी टाइम से है। आजा बेटा इधर आ सर। ये तो मीठे सर हमारे नसीब नसीब ऐसा तो वही साथ है। आपके साथ रिच रिच नहीं चाहिए। नया साल है और नए साल में सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने सोचा कि हम भी आम नागरिक की तरह रिज में अपने लोगों का हाल चाल जाने और जो पर्यटक आया है उनका हाल चाल पूछे और ये देखें कि क्या हिमाचल में उनको कोई तंगी तो नहीं हो रही है। इस दृष्टिकोण से मैं हर्षवर्धन चौहान जी और अनुरूप सिंह जी, हम विधायक लोग कहा कि सब लोग माल पर एक चक्कर मारते हैं। बचपन से हम आते रहे हैं तो आज भी हम आ गए हैं। नई सरकार लोगों के लिए क्या तोहफा? देखिये, नई सरकार में हमने लोगों को ये तोहफा दिया है कि अपने हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भी पर्यटक स्थल है उनके रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे, ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे, नीड बेस्ड जो पर्यटकों को चाहिए उस 24 घंटे खुले रहेंगे। और आने वाले 2 साल में हम पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे आएंगे। अभी थोड़ा समय दीजिए और वक्त का इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पर हम बहुत आगे आएंगे। सीएम साहब, आप जो है लंबा जुड़ाव, आपका जो जुड़ाव रहा है, और जब हम नया साल होता था, हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सीढ़ियों में बैठा करते थे, बैठकर नए साल में हम शाम तक घुमा करते थे, आनंद उठाया करते थे। हमेशा जब भी नव वर्ष आता था माल रोड का एक चक्कर लगाते थे, जो हमारे यहाँ की लोकल परंपरा है, हमारे जो आते हैं कि शाम को एक बार ही घूमना है, उस दृष्टिकोण से जो शिमला निवासियों का एक अपना पहचान है कि 5 बजे के बाद माल रोड जरूर आते हैं। और पूरे हिमाचल की पॉलिटिक्स माल रोड से ही चर्चा में होती थी। पत्रकार बंधु है, चाहे आप लोग हैं, सब लोग एक पॉलिटिकल चर्चा करते थे, लेकिन अब कुछ बंधनों में हम बन जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि हम आम आदमी की तरह घूमें और आम लोगों से। सर, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन पंजाब में जश्न मनाया गया, तो आज पंजाबी बड़ी गिनती में हिमाचल में आए हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई है, हम और पंजाब एक ही बात है। पहले तो एक ही क्षेत्र होता था, 1971 में अलग हुआ, तो हमारे जितने भी बाहर के पर्यटक आए हम सब का उनका स्वागत कर दिया, उनका आदर और प्यार से हम उनको आगे बढ़ते। सर, आपसे एक आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूँगा, नए साल को लेकर मुख्यमंत्री का क्या रेजोल्यूशन है? सर, नए साल को लेकर मुख्यमंत्री का रेजोल्यूशन है कि हम लोगों ने काम करना, सेवा करनी है, मुख्य हमें काम करके लोगों का दिल जीतना। बहुत बहुत